नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बनना है, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। सभा काम हुआ है कि किसी नेता को, खास करके जो जन नेता हो, उसे आपने अगर जेल में डाला और जो भी आरोप लगाए अगर वो सिद्ध नहीं होते तो ये उल्टा पड़ता है किसी भी सरकार की। अरविंद केजरीवाल बहुत मजे हुए नेता है। जब अभी तक उनके चाहे डिप्टी सीएम जेल गए हों या संजय सिंह गए हों, एक भी पैसे को ईडी साबित नहीं कर पाई है कि पैसा गया कहां है, किसने लिया है, कितना लिया है, और जिसके जरिए इन लोगों को फंसाया गया है, जो केजरीवाल का अपना कहना है, वो व्यक्ति, वो रेड्डी 55 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को चंदा देता है जी। ये क्या आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं लोगों के? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो सीधे जनता तक पहुंच चुका है। वो पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है जो नारा लगा था, वो इसलिए दब गया था क्योंकि उस समय पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट में वो पूरा जो मीडिया जिस तरह से आ गया था सामने, तो उस वजह से वो चीज नहीं चल पाई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो आपका धर्म का मुद्दा चल पा रहा है, ना आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा। तो लद्दाख का देख लीजिए आप, जिन लोगों ने, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने ज्वाइन की है अभी कांग्रेस पार्टी, उनका क्या कहना है? या जो लोग अभी अनशन पर थे, वो उन लोगों का क्या कहना है कि भारत सरकार इसकी बात करती आ रही थी, नरेंद्र मोदी जो पिछले सरकार में ये कहते थे कि साहब चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला है। वो कहते हैं कोई घुसा नहीं है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि अच्छा अब ठीक हो गया है। तो ये जो कोशिश चल रही थी वो कोशिश अब फेल हो रही है। मोदी जी ने एक नया जुमला फेंका है, उन्होंने एक टेलीफोन की वार्ता में बंगाल की एक महिला नेत्री से कहा है कि जो ईडी के जरिए पैसा पकड़ा जा रहा है, मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं, इसको जनता में ही बांटा जाए। अब ये 15 लाख की तरह का जुमला है क्योंकि आपका कोई और एजेंडा तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग इस बात को जानते हैं कि अच्छे दिन का वादा हो या 15 लाख की बात रही हो, या इस उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि होली और दिवाली पर हम 2 सिलेंडर देंगे मुफ्त, वो कुछ नहीं मिला। तो अब लोग जानते हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो जुमला है या सही है। तो ऐसे में चुनाव की जो जमीन है वो नीचे से दरक रही है जी। अब इसीलिए वो पूरी ईडी के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष को इतना कमजोर आप करना चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही ना हो। जैसे कांग्रेस पार्टी के आप जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर देंगे, चुनाव के समय ही ईडी जो काम कर रही है, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है, ईडी की इन कार्रवाइयों पर चुनाव आयोग क्यों खामोश बैठा हुआ है। जब आचार संहिता लग चुकी है उस समय आपको करना है, आप करिएगा ना, उसके बाद करिएगा, किसने रोका है? या अभी तक आप चुप क्यों बैठे हुए थे? लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी अगर ईडी इस तरह की धरपकड़ कर रही है और गोदी मीडिया बाकी का काम कर रहा है, यही हुआ था ना 11-12-13 में 2G 3G 4G 5G क्या क्या घोटाले चल रहे थे, लेकिन निकला क्या? मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी पर वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ जी। आज की जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा बना हुआ जो ब्रांड था वो ध्वस्त हो चुका है। लोग इस बात को जान चुके हैं कि मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, विपक्ष को केवल कमजोर करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस समय जनता चुनाव लड़ रही है और मोदी जी अभी जो जो बात कह रहे थे या जो लोग कहते हैं कि ईडी के जरिए ये हो रहा है और जो विपक्ष है वो जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा, अपने रीट्वीट में लिखा कि साहब ये झूठ बोलते हैं और दबाव बनाते हैं,
मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी जो रैली एक बार वैली उस ट्वीट करते को ले हैं ना, आते हैं, एक बार ट्वीट ले आते हैं, रिपोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीधा हमला करने की कोशिश कांग्रेस के ऊपर, जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ है उस ट्वीट को। देखिए नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशियरी का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। यह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, और सीधा पहला सेंटेंस की कांग्रेस की, लोगों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है और प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी की बात 5 दशक पहले से कांग्रेस करती आई है। और यह जो बात यहां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी का जिक्र हम कर रहे हैं। और यह क्यों लिख रहे हैं, तो एक लगभग 600 वकीलों की चिट्ठी, और उस चिट्ठी में वो जो वकीलों के सिग्नेचर हैं उसमें वही वकील हैं मैक्सिमम जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया था। और इसके अलावा इसमें और कुछ बताना नहीं चाहूंगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है उस चिट्ठी को अगर देखेंगे आप। लेकिन उस चिट्ठी में कहीं ये नहीं कहा गया है कि कांग्रेस के ऊपर उन लोगों ने वार किया है, भले अघोषित रूप से बिना लिखे हुए कांग्रेस की तरफ हो, लेकिन यहां इसके जरिए क्या जुडिशियरी के ऊपर हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यह सवाल है। क्या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को के ऊपर हमला करना चाहते हैं? इसी बीच इसी को पोस्ट रीपोस्ट करते हुए कोटेड पोस्ट जो है प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील का है, लिख रहे हैं कि सरकार के पसंदीदा वकील सालवे ने चुनावी बॉन्ड की रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के विवरण को उजागर होने से रोकने की बहुत कोशिश की। टैक्स हेवन में उनके खातों का खुलासा पनामा और पेंडोरा पेपर्स से हुआ था। अब वो 600 गैर वर्णित वकीलों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जो सीजेआई को सख्त आदेशों से पीछे हटने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कितने बॉन्ड दाता सालवे के ग्राहक हैं? आश्चर्य की बात है कि मोदी इस पत्र के समर्थन में ट्वीट करते हैं। प्रशांत भूषण, देश के वरिष्ठ वकील, ये भी अपनी बात, और सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और सीधा हमला हरीश सालवे के ऊपर जो देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक जाने जाते हैं उनके ऊपर भी। और जो बात यहां लिख रहे हैं एक्सपर्ट प्रशांत भूषण, ये बहुत महत्वपूर्ण और साफ लिख रहे हैं कि इनमें से कितने बॉन्ड दानदाता जो दाता हैं, जो बॉन्ड खरीदे हैं, वो सालवे के ग्राहक हैं। और आश्चर्य की बात है कि मोदी इस पत्र के समर्थन में ट्वीट करते हैं, यह आप देख रहे थे। चलिए अब जरा आता हूं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी, माफी चाहूंगा बीच में आपको रोका, ये दो बहुत, क्योंकि एक उसी पर देखिए, चिट्ठी को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत भूषण, प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए जो बात मैं कह रहा था कि मोदी जी लिख रहे हैं उसमें कि 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को नकार दिया, 20% से ज्यादा तो अभी कांग्रेस पार्टी के पास वोट ही, नंबर एक। नंबर दो, मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी जो रैलियां करते हैं उसमें अपने पूरे सत्ता तंत्र का इस्तेमाल न करें तो देख ले कि कितने लोग उनके साथ आते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए आते। और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के न्याय यात्रा तक जो लोग आ रहे थे वो 140 करोड़ में शामिल नहीं थे। तो मोदी जी को खैर इसी में उलझाए रखना है लोगों को, और वो चाहते हैं कि इसके जरिए ही चुनाव जीत लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो इस बार बहुत बड़े मुगालते में है, देश की जनता चुनाव लड़ रही है और उसको विपक्ष भी महसूस कर रहा है और सत्ता पक्ष जिस कदर महसूस कर रहा है, यही वजह है कि लगातार टिड्डी दल की तरह ईडी हमलावर है और मीडिया जिस तरह का गुणगान कर ही रहा है उससे लगता है कि बेहद बौखलाहट इस समय मोदी जी के खेमे में है। लेकिन क्या लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? जो 10 साल में हुआ आपने रिपोर्ट कार्ड तो दिया नहीं कि आपने क्या किया, लेकिन उल्टा ही आपको केवल विपक्ष पर हमला करना है, आपको बताना नहीं है कि हमने क्या किया। क्या देश की जनता, देश के नागरिक आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए वो पूरी तरीके से जवाबदेही वाला चुनाव। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।